कि ये मूल सिद्धांत को तो कम से कम आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हम लोगों के सामने जो इतना बड़ा उत्सव है, प्रशासनिक तौर से भी और सामाजिक तरीके से भी हम लोगों को हाथ से हाथ बांध के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करना है, इसलिए हम लोग इस जगह पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले एक औपचारिक परिचय हम सबका करा देना चाहेंगे। आज हमारे बीच में माननीय एडीएम सिटी जी श्री अंजनी कुमार सिंह सर मौजूद हैं, इनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट श्री मंगलेश दुबे जी भी यहाँ उपलब्ध हैं, स्वागत करते हैं हम इनका। एसपी सिटी गोरखपुर श्री करुणेश कुमार बिश्नोई सर भी हमारे साथ उपलब्ध हैं, इनके साथ साथ सीओ कोतवाली श्री अनुराग सिंह भी यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही साथ इन सबके बीच में हमारी समिति के अध्यक्ष श्री मीनाल गांधी चटर्जी भी उपलब्ध हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। शिवम जी आपका भी मैं माफी के साथ स्वागत करूंगा क्योंकि मेरे लिस्ट में आपका नाम गलती से छूट गया था, क्षमा प्रार्थी हूँ। सीओ कोतवाली अनुराग सिंह जी यहाँ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ रामलीला कमेटी वर्षों पुरानी परंपराओं के साथ हम लोगों के साथ हाथ से हाथ बांधे शुरू से आज तक खड़े रहे, इनके दो पदाधिकारी प्रेसिडेंट गणेश वर्मा जी और सेक्रेटरी हरिद्वार वर्मा जी यहाँ उपलब्ध हैं। इनके साथ ही साथ पूर्व महामंत्री अरूप अग्निहोत्री जी जिनका लगातार सहयोग हम लोगों को हर कार्य में मिला, वो भी आज हमारे बीच में हम लोगों के साथ हैं। गौरव का विषय ये है कि हम लोगों के साथ एसओ दिवारीपुर श्रीमती सुनीता सिंह जी भी उपलब्ध हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। चौकी चार्ज दुर्गावाणी श्री पप्पू जी आज हम लोगों के साथ यहाँ उपलब्ध हैं इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए। इनके साथ ही साथ एनी रेलवे पूजा कमेटी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पूजा कमेटियों में से एक है, प्रतिष्ठित पूजा कमेटियों में से एक है, वहां के दो पदाधिकारीगण श्री अरविंद चंद और श्री देवेंद्र पांडे दोनों लोग हमारे साथ यहाँ उपलब्ध हैं, और प्राचीनतम पूजा में से एक वर्माशल पूजा कमेटी बोलकर वहां के सती कुमार वर्मा जी भी आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ हैं। रामादल गोरखपुर जो कि नेतृत्व करता है उस जलूस का जो बर्डघाट रामलीला कमेटी की शोभा यात्रा होती है भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद माता के पूजन के लिए यानी बहुप्रतिष्ठित राघव शक्ति मिलन को कार्यान्वित करने के लिए जिस मार्ग से आते हैं उस मार्ग का संचालन और उस जलूस का नेतृत्व रामादल कर दिया है, वहां के सचिव श्री मनोज कुमार वर्मा जी भी आज हमारे बीच में है। अब विलंब न करते हुए मैं अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में से नमस्कार, बंगाली समिति दुर्गावाड़ी की ये प्राचीनतम पूर्वांचल की प्राचीनतम पूजा 116वां वर्ष यहाँ पर मनाने जा रही है। आप सबका अभिनंदन वंदन और नमन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप ही के सहयोग से नगर के सभी लोगों के सहयोग से यह पूजा अभी तक सफल होती चली आ रही है, संपन्न हो रही है, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह हर वर्ष सहयोग प्रदान करते हैं उसी तरह इस वर्ष भी सहयोग प्रदान करेंगे और पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस पूरे अनुष्ठान का सफल होने के लिए सहयोग करेंगे, धन्यवाद। इसके बाद मैं पूजन के बारे में बताना चाहूँगा। षष्ठी के दिन सुबह 4 बजे यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी का चंडी पाठ होता है, ये 1 घंटे का कार्यक्रम है। उसके बाद हमारे पुरोहितगण ये बंगाल से आते हैं, बंगाल की परंपरा के हिसाब से यहाँ पर सब उसी हिसाब से उसी विधि विधान के तरह यहाँ पर पूजन कार्यक्रम होता है, और उसके बाद षष्ठी का बोधन का कार्यक्रम 8 बजे लगभग 8 बजे से शुरू हो जाएगा, और वो 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। उस पूजन के बाद सायंकाल मूर्ति के पास ये कार्यक्रम होगा, पूजन का कार्यक्रम होगा, और षष्ठी के सायंकाल मूर्ति के पास पूजन के बाद सप्तमी से नियमित
नियमित सुबह और शाम भोजन का कार्यक्रम होगा, आरती होगा, सुबह पुष्पांजलि होगा और पुष्पांजलि होने के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा एवं शाम को आरती होगी। शाम को आरती होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होगा। सप्तमी के दिन यहाँ पर बंगला नाटक होगा। अष्टमी के दिन सायंकाल यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, वैरायटी शो, और नवमी के दिन हिंदी नाटक होगा। इसी तरह सप्तमी अष्टमी नवमी एक विधान से पूजन का कार्यक्रम, पूजन पुष्पांजलि और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। एक चीज बीच में छूट गया है, अष्टमी और नवमी के बीच में एक 48 मिनट का समय होता है जो संधि पूजन का कार्यक्रम होता है, वो दोपहर को 3:58 ऐसे समय है, उसमें लिखा हुआ है कार्यक्रम में, उस संधि पूजा वहां पर होगा, यहीं पर होगा और उस 47-48 मिनट में पूरे पूजन को समाप्त कर देना पड़ता है। उसमें पूरा पूजन होता है और क्या कहते हैं कि कमल का फूल इसमें चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसकी आरती होती है, भोग चढ़ता है, सब इस 47-48 मिनट के अंदर करना पड़ता है। उसके बाद पंचांग के हिसाब से वो नौवीं प्रारंभ हो जाता है। दूसरे दिन सवेरे से नौवीं का पूरा जैसे विधान है उसी तरह पूरा कार्यक्रम नौवीं का होता है। दसवीं के दिन विसर्जन की पूजा होगी और विसर्जन की पूजा के बाद सायंकाल 5 बजे विसर्जन के लिए हम लोग प्रस्तुत होंगे। विसर्जन धन्यवाद। श्री मंदिर कृष्ण कुमार बिश्नोई जी, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय श्री मंगलेश दुबे जी, सीओ कोतवाली श्री अनुराग सिंह जी, मैं माफी चाहूंगा नाम भूल रहा हूं, शिवम सर हमारे एसडीएम सर, इनके साथ साथ सीओ कोतवाली हो गया, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रामलीला कमेटी श्री गणेश वर्मा जी एवं श्री हरिद्वार वर्मा जी, पूर्व महामंत्री रामलीला कमेटी हमारे प्रिय अनूप अग्निहोत्री जी, उनके साथ एसओ दिवाली पूर्व श्रीमती सुनीता सिंह जी, चौकी इंचार्ज दुर्गाबाड़ी श्री पप्पू जी, एनी रेलवे पूजा कमेटी के अध्यक्ष एवं महामंत्री अरविंद चंद जी, वर्मा सेल पूजा कमेटी गोलघर के संत कुमार वर्मा जी और सचिव रामादल कमेटी मनोज कुमार वर्मा जी, बस हम आप लोग से ये अनुरोध करेंगे, जिस तरह लास्ट बार आपने हमको सर से मैंने बात की है तो वो रहेगा सर, तो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजन है। और तीसरा जो हमारा कर्तव्य होता है वो ये कि आप समय से यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सर हम तो समय से सभा 5 बजे
कि आप लोग रावण पहले से नहीं उसके बाद मुकाबला खेल करते हैं और समय लगता है सर आपको लगातार अभी से 7 बजे प्रस्थान है 7 बजे प्रस्थान है 5:30 से यहाँ से चलेंगे शहर की बहुत सारी मूर्तियाँ चलती हैं वो सारे सब लाइन में आगे ऐसा तो जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे ये सारी मूर्ति वही प्रॉब्लम है सर कि जब तक मूर्तियाँ वहाँ रोड नहीं खाली करती हैं तब तक हमारी ये मूर्ति आगे नहीं बढ़ती है और उसके पीछे के संबंध में पड़े रहते हैं तो ये सबसे बड़ी चीज ये है सबसे बड़ी चीज ये है कि जब दुर्गावाड़ी हमारी अलीगढ़ चौराहे पर आ जाती है वहाँ से घंटा घर तक का रोड अगर नहीं खाली मिलेगा तो इनको प्रॉब्लम होती है ये कम से कम इतने जो पैटर्न रुक जाते हैं और जो देर होती है केवल उसी को वेट करने में देर होती है कोई इशू नहीं आप कर लीजिए इसको तैयार कर लेंगे इसको बैठे थोड़ा लेट निकाल लेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिट्रीट तालाब बनाए गए इस बात का क्लियर प्रदर्शन करें किसी भी व्यक्ति से बहस नहीं करनी आपको कोई भी व्यक्ति को यदि विसर्जन करता है उसे क्या होता है कोई भी व्यक्ति इसलिए मेहनत करके कि तालाब बनाने के द्वारा बनाए गए पहुँच महीने के लिए तालाब में सभी लोग वहाँ पर विसर्जन करें और मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को इस तरीके की जब शासन ने कोई ऐसी तैयारियां की है तो उसका अनुदान करने में किसी को अच्छा लगता है और अपना जैसे विसर्जन करना है नदी में विसर्जन करना तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमारे लिए तो हम लोग कौन होते हैं दोस्तों को पहले से मतलब है तो जो वहाँ पे और एक अच्छा भी है कि बहुत दूर जाना पड़ता है पास ही में जैसे ही हम क्रॉस करते हैं माता वहीं पर तालाब बने हुए आप सब लोगों के साथ मैसेज भी रहेगी कैमरे आपने यहाँ लगाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी जो कि बनी है एक बार देख लेंगे कि कैमरे लगे नहीं लगे आपका एकदम चकाचक करवा दिया है और एक बार इशू हुआ तो एक बार आप भी समय कर लीजिएगा फीडबैक दे दीजिएगा देखेंगे एक बार हम लोग आपका जरूर है और रामलीला वालों को मुझे भी लगता है किसी प्रकार की समस्या है जो आपने बात रखी क्योंकि हमारे वहाँ परंपरा रही है कि मान सरोवर में महाराज जी आते और टीका कर लेते हैं और जब मंदिर चले जाते तब हम रावण में वो समय होता है 7:30 से 8 वो समय इस बार 6:30 बजे हो मेरे साहब हम 7:30 मान के ही चलते हैं मान के चले वो आपकी इच्छा है नहीं तो इस बार का समय वो बता दोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है और उस दिन लीला भी होती है और मंचन भी होता है तो उसलिए आपने जो पॉइंट बताया उसका जवाब दे रहा हूँ मैं बाकी चीज़ों को मैं मदद नहीं कर रहा उनके लिए नया मेरे से सारी चीज़ें नहीं मालूम होंगे उसकी मेरी वहाँ जमीनी लीला होती है लीला में पाठ बचा होता है अगर ये मूर्ति अपनी 5 बजे लेके चलते हैं तो बसंतपुर चौराहे पे पहुँचते पहुँचते इनको 9:30 का अगर ये 9:30 बजे बसंतपुर चौराहे पे पहुँचेंगे तो मैं 9:30 बजे मिलन करा लूंगा कोई इशू नहीं आपको जितने बजे कराना है रात आपकी है ठीक है आपकी लगती है हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है हमारा इतना ही कहना है आपको कि आपको कोई समस्या नहीं नुकसान करेंगे जब मेरा रथ चलता है खेलते हैं उनके थोड़ी सी दल वाले तलवार लेके और बड़े थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है सर कौन सा दल होता है जो कि राम जी के रथ के साथ प्रदर्शन को करते हुए जाते हैं उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होती है मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा मेरा इतना ही कहना है आपकी जो परंपरागत चीजें वो आप चलाइए हमारी 10 बजे मान के चलिए आप इतने बजे नहीं बजाइए मेरा इतना ही मानना है कि ये तो विसर्जन है सर
ये जरूर है कि बिल्कुल इस त्यौहार के दौरान स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी और हम प्रयास करेंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स इकट्ठा किए बहुत अच्छे से। ये इंश्योर करिएगा भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस बल तैनात करिए नॉर्मल फिर जब तक के लिए चल रही है नाटक होता है और सर गोरखपुर तक की ये प्रसिद्ध पूजा है हमारा ये हम दुर्गावाणी को फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं। पिछले साल जब हम लोग चले तो रास्ते का अनुभव हुआ एक तो बहुत बरसात कमर तक पानी थी उस कमर नहीं पानी लेकिन रास्ते में सर पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं सुना रास्ते में जी सर पूरे रास्ते में और अंधेरा का प्रकार व्यवस्था तो अब ये सर आपसे निवेदन है कि वहाँ तक सर ये हो जाता है कि जब हम दो घंटा ढाई घंटा तीन घंटा वेट करते हैं तब आप वहाँ प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था सराफा मंडल करवाएगा आप जहाँ इंतजार करते हैं वहाँ प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था सराफा मंडल करवाएगा। ये एक रुपया खर्च नहीं करते हैं ठीक है किसी भी चीज़ पे और आपके अनुरोध पे मेरे कहने पे सराफा मंडल की तरफ से उस जगह जहाँ बदल मिलाप होता है वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है। दूसरी निवेदन ये है कि हमारा जो रेलवे पूजा होती है सर उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोगों ने पिछले साल भी रिक्वेस्ट किया था कि ये आप एक वहाँ पुलिस चौकी की व्यवस्था करने के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं आपको पर्याप्त फोर्स मिलता है हर बार दो वर्ष से नहीं हो पा रही कोविड के कारण बंद हो गए जो भी है पीछे सर लगातार पूरी चौकी वहाँ पे होती थी और व्यवस्था भी बहुत सही थी। इधर सर जगह सर है सर वहाँ पे लगा रहा है उन रास्तों पे काफी पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ती है सर से हमने बात किया है और आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं और एक समस्या और है कि कार अभी पूरी के नीचे जो कि हम लोग राम बरात और राम श्री राम मंदिर के फैक्ट्री है एक बार उसमें वॉक करके पूरे रूट पे एक बार देख लिया जाएगा की समस्या सीओ साहब चीफ मिनिस्टर साहब और यहाँ पे चल के आपके साथ इस पर देख लेंगे यहाँ पे बता दीजिएगा पर्टिकुलर पॉइंट पर शूटिंग करवाई जाएगा और कोई कंसर्न डीजे आपके साथ डीजे चलता है कितने अच्छे लोग हो आप समाज के आ रहे अभी कह रहे कितने अच्छे लोग हैं बहुत बढ़िया आप लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए बाकी लोगों को प्रयास कर रहे हैं हम लोग की लोग प्रेरणा ले आप बसंतपुर चौराहे पे जहाँ राघव शक्ति मिलन कमेटी होती है वहाँ राघव शक्ति मिलन कमेटी की एक मंच भी लगती है उसके अलावा लकी रोड के करीब पास से लेके और बसंतपुर चौराहे तक पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और यह हमारी राघव शक्ति मिलन कमेटी का आगे भी है सजावट के और आपके दुर्गा जी जो आते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ परंपरागत हमारी रही है और जब दुर्गा जी की प्रतिमाएं वहाँ आती है तो उनको बहुत बहुत स्वागत भी और भगवान श्री राम द्वारा आरती भी की जाती है और ये तो परंपरा चली जा रही है लाइट की व्यवस्था वहाँ आपकी और विशेष भी की गई है
और सजावट भी बढ़िया की गई है। राम जानकी मंदिर वहाँ पे है, राम जानकी मंदिर परिवार से भी वहाँ सजावट हो गया। अब यह है कि हमारा रावण जी का दहन जो है वो होगा 8 बजे 8:15 के बीच में। हमको सच्चा सर 9 बजे निकलते हैं सर वहाँ, नहीं सर ये भी राम दल फिर तो राम दल श्री राम खड़ा उसी में लेट होता है, वही थोड़ा कोई घटा नहीं है, अगर है घटा का मेरे को बताइएगा। बहुत लोग चोटिल होते हैं, उसके लिए हमको चाहिए थोड़ा सा वहाँ निवेदन है, हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। हम लोगों ने साहब ने प्लान किया था कि हम पहले हमारा रस्सी का घेरा था, इस बार जो है साहब ने कहा कि उसको इतना व्यवस्था बनाई है कि सीढ़ियों से लेकर हम लोग हमारे वहाँ जाते हैं। अच्छा इनोवेशन किसी भी प्रकार का आप करना चाहते हैं लोगों को सुधारने के लिए, और भी बहुत महंगा करके देखिए आप हुए सर, इतनी भीड़ होती पीछे ना वो भीड़ कोई व्यक्ति कम से कम जो रात बिरा जो भी वहाँ बैठ जाए इतना ढके तो रहेगा पासपोर्ट निकल के तरफ जगह है हमारे समझते हैं और इसमें पूरे गोरखपुर की सभा रखी और उस सभा के नाते लोग यही वजह है और कोई वजह नहीं है। तो आप चलिए आपके लिए धर्म मिला नहीं, इस बात का विषय ध्यान रखिएगा कि शासन की भी यही मंशा है और मजिस्ट्रेट कोर्ट की भी यही गाइडलाइन है कि हमारे द्वारा किसी तरह तैयार की जाएगी तो आप लोग उसको फॉलो करेंगे, अगर मान लीजिए फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी मुद्दत नहीं करेंगे उसकी वीडियोग्राफी करेंगे उसकी सरकार की कार्रवाई होगी। तो जिम्मेदार हूँ सर, आप सभी लोग मतलब है कि जागरूक है जिम्मेदार है, तो आप इस तरह से नहीं लगता है कि इस तरह चीज़ें दोबारा आएंगी, तो आप लोग हमारे लिए तालाब मतलब विसर्जन स्थल है अच्छे बने हुए हैं, पूरी सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ वहाँ पर सुविधाएँ दी गई हैं, उसी का उपयोग करें और नदियों के विसर्जन से बचें। धन्यवाद।